नादरीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नादरीन, आने वाले असम्बली इंतखाबात यानी जो कि 2022 में मुनाकिद होने वाले हैं ऐसा अंदाज़ा, उन असम्बली इंतखाबात के लिए अभी से तैयारियां जोरों शोरों पर नज़र आने लगी हैं। ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दो मरतबा मुसलसल मुस्लिम उम्मीदवार की हार के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने के लिए टाल मटोल से काम ले सकती है, लेकिन मुस्लिम तबके का ये मुतालबा है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दी जाए, चाहे वो किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को दी जाए। इस सिलसिले में आज साबिका रुकने बल्दिया एम के बाबर और अंजुमन कमेटी के सदर रजाक उस्ताद, अब्दुल हई फिरोज और दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये मुतालबा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दी जाए, चाहे वो मुस्लिम उम्मीदवार कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी भी एक बेहतरीन मुस्लिम उम्मीदवार को जो पार्टी को पसंद हो ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी जाए। इस सिलसिले में एम के बाबर ने ये कहा कि आज शाम 4 बजे रायचूर शहर के टिपू सुल्तान गार्डन से एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम मुसलमानों से उन्होंने शिरकत की अपील की है। ये रैली वहाँ से रायचूर हब पहुँचेगी। रायचूर हब में एक मेमोरेंडम सुरजेवाला को और दीगर अहम कांग्रेसी कायदीन को दिया जाएगा, जिसमें यह मुतालबा किया जाएगा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दी जाए, चाहे वो मुस्लिम उम्मीदवार कोई भी हो। आज मैं सारे हमारे कौम को एक आवाजनामा देना चाहिए। ये पूरा सारे कौम का मसला है, अंदाजा वैसा नहीं है। गैर जरूरी रिपोर्ट तो आपको मेरे पर हरकत करे, आने वाले दिनों में हमारे लोगों को टिकट मिलता नहीं मिलता, बिल्कुल हम लोग परेशान में किस हालत के परेशानी का जरा आवाज़ उठाने के लिए आज जो आ रहे सिद्धरामैया साहब, डीके शिवकुमार साहब, ईश्वर खंडे साहब और टोटल कांग्रेस के जितने भी कौन ये MLS है, MPs है, XMPs है और वर्किंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, अपोजिशन लीडर है कांग्रेस के, तो जो भी लोग यहाँ का को एक मिनी असेंबली हैदराबाद करना तक में चला रहे, ऐसे हालत पर हम आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आवाज़ उठाने में हमारा ज़रा टाइम गया, बहुत लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। क्या है बोले तो वो लोग आने वाले इलेक्शन के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग हमारे लोग पूछे बाबू भाई आने वाले दिनों में किसको टिकट मिलता है, किसको टिकट मिलता है, पूछे हम भी परेशान है, साथ साथ में खुद के साथ हम भी परेशान है। ये परेशानी को दूर करना बोले तो आज जो है हम जो भी हमारे मुसलमान भैया को सोच में बहुत हमारे लेना चाह रहा हूँ, शाम में 4 बजे टिपू सुल्तान गार्डन में सब जने मिलको, और ये बाबर का नहीं मसला और किसी का मसला नहीं, किसी को तो टिकट दे दे आने वाले दिन असेंबली इलेक्शन में, मुसलमानों को देने पड़ते महिला के मुस्लिम मुस्लिम को देना पड़ते सो हमारा अपील है। मेहरबानी कर तो जितने भी काउंसिल्स हैं, एक्स काउंसिल्स हैं, बहुत दूसरे सारे लोग से अपने मकोब के जज्बे के जितने भी लोग हैं, ये जो हम 4 बजे जो मेमोरम दे रहे चाहे नीतीश कुमार को सिद्धरामैया साहब को जितने भी कांग्रेस हमारे से उनको देते टाइम आप सब जने आना, आपका सुनता हूँ गाना बोलूँगा, इसके साथ मैं अपील कर रहा हूँ, ये गैर जरूरी कोई भी क्या भी बोले तो ये सियासत नहीं, किसको भी दे दे टिकट, पूछने वाले 100 आदमी भी रहेंगे कांग्रेस मुस्लिम्स में, 100 आदमी भी किसको भी अच्छी उनको कांग्रेस को टिकट फाला नहीं, किसको भी दे दे कांग्रेस को दे दे, गैर जरूरी दूसरा नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर वो टोटल एक MP इसमें है, एक मुस्लिम्स को दे रहे, आज वो भी कट जा रहा बोलते सब बहुत सारे लोगों को दिलों में बैठ गया। आने वाले दिनों में इसका अंदाज क्या होता वो करके डिसाइड करता, लेकिन आवाज़ उठाना, इतने लोग कभी भी नहीं आते हमारे रायचूर को, आज बोले तो हमारा सबका फर्ज बनता है, कौन के कोई भी बाबर उठाने और कोई भी उठाने सबका फर्ज बनता, एक आवाज़ तो मुझे बड़े लीडर तक कहना में गिरन जरूर को मैं स्थिति से अर्पित करना चाहूँ, मेहरबानी करके मेरे से अगर गलती हो गया सुनाने में अगर लेट हो गया तो भी माफ़ी मांग तो सब जने जितने भी ये जनों को फैसिलिटी लोग इसमें ग्रुपिज्म लोग हम सब एक है, वक्त के साथ हम एक साथ हो एक साथ होकर चलेंगे, लेकिन हालत को समझ कर आप सब जने हाथ मिला को जो मेमोरेंडम देते थे सारी कौम हमारे साथ में, हमारे साथ में नहीं कौम ये एकता के एकजुट होकर मेमोरेंडम देंगे बोल को मैं इस अपील कर रहा हूँ, शाम में 4 बजे टीपू सुल्तान गार्डन से रायचूर हब तक जाकर वहाँ सबको जितने भी लीडर्स है हमारे कांग्रेस लीडर को मेमोरेंडम देना होता है, आने वाले दिनों में मुसलमानों को टिकट दे बोलते सब हमारा एक ही अपील है, मेहरबानी करके कंसिडर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करो, आप सबसे अपील करो। अस्सलाम वालेकुम। आज रायचूर में कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद कर्नाटक के पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरों को इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस कर रहे,
पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे और आगे आने वाले इलेक्शनों के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाए हुए हैं। AICC कर्नाटक इंचार्ज और KPCC प्रेसिडेंट DK शिवकुमार, सिद्धरामैया और कितने भी लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स पूरे आज आए हुए हैं। रायचूर में मीटिंग चल रही है और रायचूर की हालत तो हम सबको पता है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हैं। 70 साल से वो पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सेकुलर पार्टी को वोट देते आए हैं 70 साल से। वहाँ कहीं भी हम हमारे को टिकट दो बोल के हम कभी भी नहीं पूछे। रायचूर में वैसे ही 70 साल से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को ही टिकट देती आई हुई है। अभी एक साल दो साल से माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की टिकट कट गई, हमारे को मिली बोल के गाँव पूरा कोलेक्ट कर रहे, लोगों को डिवाइड कर रहे, एक का मुँह एक नहीं देखे जैसी हालात हो गई। सलाम करने भी आगे पीछे देखने की हालत बना दी है रायचूर में कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स। इसलिए पूरी आवाम आज 4 बजे टिप्पू सुल्तान गार्डन में ज्वाइन होके वहाँ से रायचूर हब तक जहाँ मीटिंग का प्लेस है वहाँ पर जाकर ये पूरे लीडरों को हम अपील करेंगे। आपका राय क्या है कुछ, क्योंकि हम इतने साल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, कांग्रेस पार्टी को 99% हम लोग सपोर्ट करते आए। अगर कांग्रेस पार्टी रायचूर में हमारे को सपोर्ट करती नहीं करती एक बार पूछना है, नहीं तो क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अंडर नहीं है। हम लोग अपना खुद का एक ये बना सकते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से आज पूछना चाहते हैं कि आपका राय क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर रायचूर में जो माहौल खराब कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उनके राय और आपके राय सेम है या अलग है? आप मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये बात आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे। इससे ज्यादा लीडर कभी रायचूर को आने वाले नहीं है। ये अच्छा मौका है रायचूर वालों के लिए कि हम जाके उनको उनकी राय जानने के और हमारा डिमांड रखेंगे। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई खैरात नहीं है, हम उनसे डिमांड करेंगे कि आप हमारे को रायचूर में एक टिकट दो। हम 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम अपना रास्ता देखना पड़ेगा, ऐसा हम उनको बता के आना है। इसलिए पूरे रायचूर के पूरी आवाम को हम दावत देते हैं कि शाम में 4 बजे टिप्पू सुल्तान गार्डन पे आप जमा हो जाइए, वहां से हम एक रैली करेंगे रायचूर हब तक। रायचूर हब में जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी हम कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज लीडर आए हुए हैं उनसे अपील करेंगे, उनसे डिमांड रखेंगे कि हमें रायचूर में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मुसलमानों में किसी को भी दो, आपको जो ज्यादा ईमानदार लगता, ज्यादा ताकतदार लगता, ज्यादा पैसे वाला लगता, ज्यादा पढ़ा लिखा लगता, क्या भी लगें दे, चाहे वो ऑटो वाला कोई ना हो, ऑटो वाला क्यों ना हो, कोई आम आदमी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी का किसी भी आदमी को दो। एक हमारा अपील है आपसे कांग्रेस पार्टी से कि रायचूर में मुसलमानों को ही टिकट देना होगा। अगर नहीं देंगे रायचूर में तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा आप फेस करना पड़ता है। ये हम उनको अपील करके आज एक डिमांड रखेंगे। इसलिए सब नौजवानों से हम अपील करते हैं रायचूर के कि आप 4 बजे कौन लीड कर रहे, कौन इसके पीछे है आगे है ये सोचने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे सब मुसलमान है, कोई दूसरा नहीं है, सब लीडर्स है। हर एक आप भी लीडर है, वो भी लीडर है, ये भी लीडर, हर एक लीडर है, सब मुसलमान है, हमारे हक के लिए हम जा रहे हैं। वही एक बात रख के आप सबको अपील करता हूँ कि आप दावत को कबूल कीजिए और वहां पे आइए, सब मिलके हम कांग्रेस पार्टी को हमें अपील करेंगे, डिमांड करेंगे। शुक्रिया।